होप यू ऑल आर फाइन। हम चैप्टर नंबर 16 डूइंग वर्ड्स ग्रामर में कंप्लीट कर रहे हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 17 एम इज एन आर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मेंशनिंग हियर टुडे इज डेट 17/12/2020। ओके सो हम क्या करते हैं हर चैप्टर में, पहले हम लर्निंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सो इस चैप्टर में भी हम क्या करेंगे, पहले लर्निंग पॉइंट्स देखेंगे कि वो हमें चैप्टर में क्या कंटेंट समझा रहे हैं। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग पॉइंट्स, नाउ नंबर वन इज यूज ऑफ एस। अभी हमें चैप्टर का नेम तो देख लिया कि एम इज आर, अभी इज कब यूज होता है, एम कब यूज होता है, आर कब यूज होता है वो हम देखेंगे। ओके सो सी यूज ऑफ इज, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑलवेज यूज फॉर अ सिंगल पर्सन प्लेस और थिंग। अभी इज कब यूज होता है, जब कोई सिंगल पर्सन की बात की गई हो, सिंगल थिंग या सिंगल एनिमल, तो नेम प्लेस एनिमल थिंग जो था वो किस में आता था, नाउन में, राइट। सो हमें जब कोई भी पर्सन प्लेस या थिंग के बारे में पता है हो, पर कौन से, सिंगल, राइट, तो आपको क्या यूज करना है, इज। नाउ सेकेंड पॉइंट इज वी यूज इज विथ सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउन्स। जैसे मैंने आपको बताया कि नाउन्स के साथ भी आप यूज कर सकते हो और प्रोनाउन्स के साथ। अभी प्रोनाउन मतलब क्या, प्रोनाउन्स, राइट, तो आप लोग पता है वो ही, शी और ऐसे सब वो जो वर्ड्स यूज करते हो ना एक ही सेंटेंस में, हम नेम दो बार यूज नहीं करते। अगर बॉय के बारे में बात की होती है तो हम ही डाल देते हैं, गर्ल के बारे में बात की हो तो हम शी डाल देते हैं, तो वो जो होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस। तो अगर सेंटेंस में कोई नेम नहीं है, नाम का कोई नहीं है, तो आप प्रोनाउंस भी हो गए तो भी आप यूज कर सकते हो किसको, इज को, राइट। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ही इज माई फादर, तो ही क्या हो गया यहाँ पे, प्रोनाउन, तो उसके साथ मैंने क्या यूज किया है, इज। और फादर मतलब एक सिंगल पर्सन की बात की गई, फादर एक ही होते हैं ना, राइट। सो हमने इज का भी यूज किया जब प्रोनाउन था और ये सिंगल पर्सन की बात की गई थी तब। नाउ सेकेंड इज यूज ऑफ एम। अभी एम कब यूज करना है, नाउ सी एम इज ओनली यूज फॉर अ सिंगुलर, एस आई एन जी यू एल एम, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल, मतलब एक पर्सन, मतलब सिंगल कोई भी पर्सन, नेम, एनिमल, थिंग, क्या कुछ भी, सिंगल प्रोनाउन। यहाँ पे किसकी बात की गई है, प्रोनाउन, राइट। तो ये भी प्रोनाउन के टाइम पे यूज होता है, पर कब, कोई सिंगल प्रोनाउन यूज होता है, इज कब यूज होता है, नाउन प्रोनाउन के साथ भी और किसी प्लेस थिंग और एनिमल के बारे में बात की गई हो तो भी, राइट। इट इज ओनली यूज विद द प्रोनाउन आई। अभी एम में ना मेन पॉइंट क्या है कि कोई भी सेंटेंस में अगर आई यूज होता है तो एम तो आएगा, जैसे आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, आई जब भी यूज हो ना तब आपको क्या करना है, एम ही लिखना है, राइट। नाउ नंबर थ्री इज यूज ऑफ आर। अभी आर कब यूज होता है, सो वी यूज आर फॉर ओनली प्लूरल, पी एल यू आर एल। प्लूरल का मतलब क्या था, हमने स्टडी किया था, मोर देन वन, राइट, एक से ज्यादा हो तभी हम आर यूज करते हैं, देन मोर देन वन फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस। तो एक सेंटेंस में हमें प्रोनाउन यूज किए होते हैं तो वो हमें मोर देन वन मतलब प्लूरल के बारे में बताते हो, तब हम क्या यूज करते हैं, आर। जैसे वी यूज आर विद प्लूरल नेम्स एंड प्रोनाउंस। तो नेम्स भी एक से ज्यादा हो तो भी आप यूज कर सकते हो, प्रोनाउंस भी एक से ज्यादा हो तो भी आप आर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दे आर वे, अभी दे क्या हो गया, प्रोनाउन, राइट। और देव का मतलब क्या होता है, हम दे कब बोलते हैं, जब बहुत सारे चिल्ड्रन या कोई भी प्ले करता हो तो हम क्या यूज करते हैं उनके लिए, दे, राइट। तो दे आर प्लेइंग, तो हमने तब क्या यूज किया, आर। अभी ये सारे लर्निंग पॉइंट्स आप लोगों को सी डब्ल्यू में लिखने हैं, राइट। तो
फॉर्म देख लेते हैं एक बार। तो हमने बोर्ड पे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, आपको ये सी डब्ल्यू में भी लिखना है। कैसे लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन डेट एंड सी डब्ल्यू, चैप्टर्स नेम, चैप्टर नंबर 17 एम इज आर, नेक्स्ट इज लर्निंग पॉइंट्स, नंबर वन इज यूज ऑफ इज, आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं विथ एग्जांपल, नेक्स्ट पेज पे यूज ऑफ एम, पॉइंट्स विथ एग्जांपल एंड यूज ऑफ आर, पॉइंट्स विथ एग्जांपल। ओके, तो आप लोगों को ये पूरा कंप्लीट करना है। तो हमने बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन देख लिया, अभी सी डब्ल्यू में भी वो लर्निंग पॉइंट्स लिखने थे वो भी आप लोगों ने देख ली। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, तो चैप्टर नंबर 17 आज की डेट लिख लो, सी डब्ल्यू लिख लो, राइट। अभी यहाँ पे देखो, हमने लर्निंग पॉइंट्स तो देख ली, इसलिए हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अभी फर्दर टेक्स्ट बुक में क्या कॉन्सेप्ट समझाया हमें वो देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आई एम 7 years old। देखो आई के साथ हमने क्या बोला था, क्या यूज़ होता है, एम। अ गर्ल इज डांसिंग, यहाँ पे अ गर्ल मतलब एक ही गर्ल के बारे में बात की, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, इज। द कैट एंड डॉग आर इन द पार्क, तो कैट और डॉग मोर देन वन हो गए, तो हम क्या यूज़ करते हैं उनके लिए, आर। अभी देखो यहाँ पे क्या बोले, वी यूज एम एंड इज व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग एज सीन इन सेंटेंस 1 and 2। तो यहाँ पे देखो सिंगल के बारे में बात की है, तो हम क्या यूज करते हैं, एम एंड इज। वी यूज एम विथ आई, वन पर्सन एज इन सेंटेंस 1, तो हम आई के साथ एम ही यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हेन वी स्पीक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंक वी यूज आर एज इन सेंटेंस 3, तो हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट, लुक एट द बॉक्स गिवन बिलो, मैच टू मेक सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड द करेक्ट यूज ऑफ एम इज एंड आर। तो यहाँ पे देखो बॉक्स दिया गया आई और एम, राइट। तो जब शी, ही, रघु, डिम्पी ऐसा होता है तो आप यू क्या यूज़ करोगे, इज। डिम्पी इज़ इन द क्लास, रघु इज इन द क्लास, ही इज इन द क्लास, शी इज इन द क्लास, राइट। फिर आर के साथ कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं, वी आर इन द क्लास, यू आर इन द क्लास, दे आर इन द क्लास, द गर्ल्स आर इन द क्लास, द बॉयज आर इन द क्लास, राइट। तो आप लोगों को ये बॉक्स इसलिए दिया गया। नाउ एक्सरसाइज ए, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ इज, आर और एम। तो आप लोगों को क्या करना है एक्सरसाइज ए में, फिलिंग द ब्लैंक्स देखनी है। तो नंबर वन इज गुड मॉर्निंग, आई एम सुमित, अभी आई है तो हमें क्या यूज़ करना है, एम। नंबर टू इज मोहित इज माय फ्रेंड, अभी मोहित इज क्या है, सिंगल पर्सन के बारे में बात की है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, इज। नाउ नंबर थ्री इज बंटी एंड शोएब, SHOAIB, शोएब आर ऑल्सो माई फ्रेंड्स। तो बंटी और शोएब क्या हो गए, मोर देन वन, तो वो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, आर। नंबर फोर इज वी आर गुड फुटबॉल प्लेयर्स, तो वी मतलब मोर देन के बारे में बात की है, तो हमने आर यूज किया है। नंबर फाइव इज मोहित इज गुड एट प्लेइंग चेस ऑल्सो, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, मोहित इज ए सिंगल पर्सन, तो क्या यूज होगा, इज। नंबर सिक्स इज बंटी एंड शोएब आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी, तो बंटी और शोएब फिर से दो जनों के बारे में बात की गई है, इसलिए हमने क्या यूज किया है, आर। तो आप लोगों को ये एक्सरसाइज और लर्निंग पॉइंट्स लिखने, राइट। थैंक यू।